Hi, my name is Gaurav Sharma and you are watching me on Telereporter. जी, राजन सर के हर सेट पे हर फेस्टिवल का मजा अलग होता है. मतलब यहाँ भी अगर आप 5 मिनट पहले आपने देखा हो तो एनर्जी कुछ अलग ही थी. मतलब सब लोग झूम झूम के आरती कर रहे थे, तो मेरे लिए मुझे बहुत मज़ेदार लगता है ये सब एक्सपीरियंस. और दूसरा, गणपति और शिव भक्त हूँ मैं, तो मेरा एक पर्सनल कनेक्शन भी बहुत तगड़ा है. जी हाँ, मतलब गणपति के टाइम का तो फर्स्ट टाइम है, लेकिन इससे पहले और भी फेस्टिवल्स मैंने मनाए हैं साथ में, रिश्ता में भी और यहाँ भी. जी, तोशु बीइंग द अपॉर्चुनिस्ट ही इज़्ड, उसने जैसे ही मौका मिला टेक ओवर कर लिया. अपने आप को उसने राजा घोषित कर दिया है और अभी उसकी पूरी कोशिश है कि अपना मतलब सिद्ध कर ले. इसके अलावा उसका और कोई एम है नहीं लाइफ में, तो पूरी फैमिली पे राज करना चाहता है, अपने मतलब निकालना चाहता है. और कुछ पता नहीं इसका कब क्या लेके भाग जाए, गायब हो जाए. तो अभी इसके दिमाग में बस एक खुराफात चल रही है, इसको सब कुछ हड़प लेना. मेरी सबसे बॉन्डिंग अच्छी है, मतलब सबसे ही अच्छी है. मैं जहाँ बैठता हूँ, जिसके साथ बैठता हूँ, उससे मेरी बॉन्डिंग हो जाती है. मतलब ये थोड़ा सा है शुरुआत से, तो मुझे ऐसा लगता है जो एक एवरी रिलेशन होता है ना, मैं सबसे वो बनाता हूँ कि कहीं भी बैठे तो आपने एक रिलेशन बना लिया, दोस्ती बना ली, तो खुश ही रहता हूँ. और सारे सब लोगों से अच्छी बॉन्डिंग है, सारे जितने भी एक्टर्स हैं सब बहुत प्यारे, बहुत अच्छे हैं सब. गालियाँ ही बड़ी एज यूजुअल और मेरे लिए वो कॉम्प्लीमेंट होती है, तो मैं मतलब ठीक है, मैं उसको भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ ऐसे, लाइक अ पैट ऑन बैक. तो थोड़ा सा हाँ, क्योंकि लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि एक बेटा जो है अपने बाप के, जिंदा बाप के तस्वीर पे माला चढ़ा रहा है, जबकि ये भी इसका सिर्फ मतलब है. इसको ये लग रहा है कि अब इतने सारे उधार से जो छुटकारा पाना है, जो ये सब लोग गुंडे उंडे आ रहे हैं मारने के लिए, पैसे निकालने के लिए, इन सब से छुटकारा पाने का यही तरीका है. कि इसका दिमाग ही ऐसे चलता है, दिमाग ही टेढ़ा चलता है, और कोई तरीका इसने ढूंढा ही नहीं. जी बहुत फील हो रहा है, सर के बहुत क्लोज हूँ मैं और अभी भी हम लोग मिलते जुलते रहते हैं. तो एक वो बड़े भाई जैसे थे यहाँ पे सेट पे, तो रोज़ आके उनका वो 10-15 सेकंड वो जो हक करके रखते, तो वो बहुत मिस करता हूँ मैं, बात करता रहता हूँ उनसे. फैंस को यही कहना चाहूँगा, आगे बहुत सारा मसाला है, वो ज़रूर देखिएगा. और गणेश चतुर्थी पे अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम बिताइए और खूब सारा खाइए, खूब मज़े कीजिए.